वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हम देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हमारा डे 5 30 डेज का हमारा टारगेट है। और आज हमने पहला लेक्चर जो पार्ट 1 देखा था वो देखा था नेचर ऑफ ऑक्साइड। और आज हम देखने वाले हैं, मतलब आज ये सेकंड लेक्चर है इसका, जेट इफेक्टिव। मतलब आज के दिन हमने दो लेक्चर देखा और आज हमारा पांचवा दिन है। 30 डेज का हमारा टारगेट है, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे कवर करना है कि एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चन आपके सही हो। अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से भी नीट ने क्वेश्चन पूछा है, मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करवा रहा हूं, उसके क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन करने के तरीके बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, हर एक चीज कवर करवा रहा हूं, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव को हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए, मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं, आज के बाद आपको सिंगल प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगी। जितने लेक्चर अभी तक मैंने आपको पढ़ाए, हर एक लेक्चर में मैंने आपको जेड इफेक्टिव के बारे में जरूर बताया, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है घट रहा है। अब मैं आपको इसका रियल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जो कि मुझे शुरुआत में ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अरे चिट मैंने आपको बताई है, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या है, होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जेड इफेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो जेड है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जेड। अब देखिए, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए, ये है ऑर्बिटल, आपको दिख रहा होगा किसी एटम के ये ऑर्बिटल है। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और ये कहां पर है, ये न्यूक्लियस पर देखने के लिए मिल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स के कारण होता है। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आप जरूर कह सकते हैं। मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है वो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज है। और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज किसके कारण होता है, प्रोटॉन्स के कारण होता है। तो हम इसको चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो प्रोटॉन के कारण हो रहा है। प्रोटॉन को हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, इसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात है, इतनी सारी चीजें आपने समझी। अब देखिए, और चीजें समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पर दो डायग्राम, मतलब दो ऑर्बिटल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, दो एटम के, ठीक। ये क्या है, न्यूक्लियस है जिस पर है पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर सेम सेम देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना लिया और यहां पर मैंने दो तीन इलेक्ट्रॉन बना लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप बातों को। अगर मैं बात करता हूं पहले वाले डायग्राम की, तो अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में एक तरीके का अट्रैक्शन लग रहा है। क्यों लग रहा है भैया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और जो न्यूक्लियस है जहां पर प्रोटॉन पाए जा रहे हैं उन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब जो न्यूक्लियस है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर। ये तो डायग्राम नंबर फर्स्ट की बात रही। अगर मैं डायग्राम नंबर सेकंड की बात करता हूं, तो ये न्यूक्लियस है, इन्हें तीनों पर क्या लगा रहा है, अपना एक तरीके का फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स को आपने क्या कहा था, अट्रैक्शन कहा था। यहां पर अट्रैक्शन लग रहा है क्योंकि यहां पर एक तो चार्ज निगेटिव वाला है, दूसरा पॉजिटिव वाला चार्ज है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलर को करते हैं चेंज, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो अगर मैं बात करूं ये वाले इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा होगा, रिपल्शन लगा रहा होगा। भैया क्यों लगा रहा होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये रिपल कर रहा होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर वाला था वो तो खींच रहा था एक दूसरे को, पहले तो अट्रैक्शन लगा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल्शन लगाते हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जितना ऑर्बिटल बाहर जाएगा उस पर, उस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब जो जेड इफेक्टिव लग रहा है वो कम लग रहा है। क्यों कम लग रहा है भैया, क्योंकि वहां पर दो तरीके के लग रहे हैं, एक तो अट्रैक्शन वाला लग रहा है, दूसरा रिपल्शन लग रहा है, दो तरीके के फोर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहले डायग्राम में देखेंगे तो यहां पर केवल और केवल एक फोर्स देखने के लिए मिल रहा था, जिसको हम बोल रहे थे अट्रैक्शन। मतलब यहां पर केवल ओनली अट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब यहां पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं जेड, केवल और केवल जेड बोलते हैं। और यहां पर क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों की बात आई, अट्रैक्शन किसके बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन और लगा रहा, सॉरी यहां पर प्रोटॉन लगा रहा है इलेक्ट्रॉनों के बीच, और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, रिपल्शन लगा रहे हैं, दो तरीके के फोर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इसीलिए यहां पर इफेक्टिव वर्ड आ जाता है, क्या जाता है, इफेक्टिव वर्ड आ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। मतलब जेड इफेक्टिव में आप एक चीज देखेंगे, यहां पर जेड इफेक्टिव नहीं है, पहले वाले डायग्राम में जेड इफेक्टिव नहीं है भैया। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल एक तरीके का फोर्स लग रहा है,
अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन यहां पर क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों लग रहा है इसीलिए यहां पर इफेक्टिव वर्ड आया और इसीलिए हमने कहा जेड इफेक्टिव। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, जैसे जैसे साइज बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, घट रहा है भैया। क्यों घट रहा है भैया, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है। अट्रैक्शन क्यों कम हो रहा है भैया, क्योंकि यहां पर रिपल्शन भी आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, यहां पर रिपल्शन भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण अट्रैक्शन कम हो जा रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक एग्जांपल के जरिए मैं और बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। यहां पर क्या है, सोडियम है, सोडियम में आपको पता है इसका जेड कितना होता है, 11 होता है। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूं तो आएगा 281। मतलब जो अगर मैं बात करता हूं आउटर ऑर्बिटल की, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर भी होंगे। तो क्या होगा, जो ये है न्यूक्लियस है वो तो चार्ज इस पर अट्रैक्शन लगा रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगा रहे होंगे, रिपल्शन लगा रहे होंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मूव कर जाएगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर जाएगा, क्यों मूव किया बच्चा, क्योंकि यहां पर जो जेड इफेक्टिव है, जो जेड इफेक्टिव है वो कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था, क्योंकि ऑर्बिटल ज्यादा थे, साइज इसकी ज्यादा थी। जैसे इसका हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो होता क्या, मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहां पर जो साइज हुई वो कम हो गई। भैया साइज क्यों हो गई कम, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहले यहां पर जेड मतलब जो इलेक्ट्रॉन थे वो 11 इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या थे, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 क्या थे, प्रोटॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने मूव कर दिया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन तो यहां पर 10 बचे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 11 है। और मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटॉन ही तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अब ज्यादा तरीके से अट्रैक्शन लगा पाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो गया, पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगा रहे थे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाएंगे, मतलब जेड इफेक्टिव यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जैसे जैसे साइज बढ़ रही है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर साइज डिक्रीज हो रही है बच्चा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा और अट्रैक्शन भी बढ़ रहा होगा। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करता हूं तो सेल नंबर बढ़ती है, साइज बढ़ती है, साइज अगर बढ़ रही है तो अट्रैक्शन जो जेड इफेक्टिव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ रही है और जितना ज्यादा साइज रहेगी जो न्यूक्लियस है उस पर उतना ही कम अट्रैक्शन लगा पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। तो चीजें समझ में आपको आ रही होंगी, अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो जेड इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट था, आई होप सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाय द वे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट करना है, एक कमेंट आपको जरूर करना है कि वीडियो कैसा लगा, चीजें कैसी समझ में आई, ठीक है। अब हमारे जो एक दो टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं उसको मैं आपको कल कंप्लीट करवा दूंगा। कल से हमारा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुका है, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करिए। इसके 30+ क्वेश्चन होमवर्क है, 30+ क्वेश्चन होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसका क्या रहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, और अगर नहीं करते तो ठीक है, फिर कुछ नहीं, आप केवल वीडियो देखिए, आपका कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह नहीं होने वाली, ठीक है। तो होमवर्क जरूर करिए, जितनी चीजें मैं समझा रहा हूँ वगैरह करिए। कल से पीरियोडिक टेबल खत्म है, हमने सारी चीजें वीडियो में पढ़ी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करिए, अब आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। थैंक यू।